हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं 100 पे क्रूज कर रहा हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो अगर आप मेरे चैनल पर ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड उसके बाद प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 100 पे क्रूज कर रहा हूँ। अभी हैचबैक के सेगमेंट में जितनी भी कार आती है अभी मार्केट में जो अवेलेबल है, अभी उनकी बात कर रहा हूँ। आप कोई भी एक कार बता दो जो 100 पे क्रूज करते हुए 100-110 पे चलते हुए उस कार को आप नचा सको आराम से। ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ड्राइव करना, लेकिन एकदम आराम से। ये देखो मतलब ये होती है भाई स्टेबिलिटी, ऐसे आप नचा सकते हो। देखो ये देखो 100 पे, मतलब ये होती है भाई स्टेबिलिटी। ये देखो पूरा कंट्रोल, मतलब कहीं गड्ढा आया कुछ भी आया ऐसा कि आपको एकदम इमिजिएटली टर्न लेना है, एकदम तुरंत काटना है एकदम साइड से, एकदम शर्ट से, तो भाई ऐसा तो दूसरी कार नहीं दे पाएगी। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके का ये स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कोई और कार नहीं दे पाएगी। एंड सबसे बढ़िया क्रूज कंट्रोल भाई सब कार में होना चाहिए। ये दबा दो तो रिज्यूम हो जाता है। अब देखना कार की स्पीड अपने आप बढ़ेगी, देखो अपने आप बढ़ती जा रही है। मैं इधर पैर हटा चुका हूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल कभी जिंदगी मत चलाओ आप। लेकिन कभी इमरजेंसी ऐसे आ जाती है कि आपको ऐसे इमिजिएटली टर्न लेना पड़ता है। एंड हॉर्न बजाते रहो भाई, ऐसे जो बीच में डिवाइडर आता है कंटिन्यू हॉर्न बजाते रहो, हॉर्न फ्री है, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। बट भाई कोई भी ऐसी कार बता दो भाई जो उसकी जैसे चलती हो भाई। फीडबैक देखो स्टेयरिंग की, गाड़ी आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ऐसे ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे आजू बाजू हो रही है। तो ये होती है भाई स्टेयरिंग फीडबैक, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स। मैं बता रहा हूँ इस कार को चलाते हुए मेरे को 2.5 साल से ज़्यादा, लेकिन अभी मैं इसकी तारीफ इतनी करता हूँ बिकॉज ऐसी कार ही नहीं बनी अभी जो मार्केट में अवेलेबल है। अभी पोलो थी, पोलो बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन भाई अल्ट्रोज़ को जिस तरीके से टाटा ने बनाया है भाई मानना पड़ेगा। पोलो में क्या लेग स्पेस वगैरह नहीं है, सिंपल उसका जो अंदर का कैबिन है बहुत छोटा है। एंथुजियास्ट कार है समझ रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा फैमिली स्पेस के टाइप से आप कार देखोगे तो भाई उसके साथ आपको इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ मिले तो भाई अल्ट्रोज इज द कार। सिंपल सी बात, ऐसी कोई कार नहीं है अभी हैचबैक के सेगमेंट में, लिटरली बता रहा हूँ। स्टेबल होगी लेकिन इतनी स्टेबल नहीं होगी, राइट। तो यहीं एंड करते हैं गाइस वाले वीडियो को। मैं यही बता रहा था आपको, एक छोटा सा डेमो करके दिखाया कि कैसी स्टेबिलिटी है, लेकिन आप कभी ज़िंदगी में मत ट्राई करना ये सब, बिल्कुल भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे चलाओ। मैं गलती कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ एक तो पहली बात, एंड दूसरी बात कि मैं ऐसे हाईवे पे ऐसे ऐसे कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा ये सब रिकमेंडेड नहीं है। ये ऐसा है हमारी गौ माता प्रणाम, हमेशा धीरे कर लिया करो भाई, गौ माता रहती तो कभी भी दौड़ जाती। एंड बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पूरा आगे पीछे देख के मैंने किया है वैसा, खाली था तब मैं ऐसे से राइट लेफ्ट जा रहा था, पूरा खाली था आगे पीछे पूरा खाली। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है, आप याद रखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मुझे एक्सपीरियंस करके मैं एक हाथ से वीडियो बनाते हुए कार चला रहा हूँ, आप बिल्कुल ट्राई ना करें जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो। मैं रिकमेंड भी नहीं करता बिकॉज मैं अभी अपना हेड बैंड भूल गया हूँ, जिसमें अपने कैमरे को सॉरी फ़ोन को लगा के मैं हेड माउंट यूज़ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बाय बाय।